हेलो। नेट ही नहीं चल रहा। हेलो। गेस सुनूंगा। हाँ जी सुनीता मैम, कहाँ हैं आप? ओ मैम हूँ, डोंट वरी। तहसील सर ने भी कोई मीटिंग रखी है? नहीं, मैंने इनको बता दिया था वो कि वो इलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास। के लिए है। अच्छा वो मीटिंग मैम, हाँ वो मीटिंग तो कल ही बता दिया था मैम ने। वो 8th ऑनवर्ड्स है, वो 8th पर सीनियर टीचर्स की मीटिंग है। हाँ बता आज दिया की था। क्लास में, हाँ आज की क्लास में क्या लगा? अच्छा, आज की क्लास में मैं थी पूरे टाइम, मतलब बेसिकली आई वाज देयर इन द क्लास। मॉर्निंग से थोड़ा थोड़ा बीच में जा रही थी, अदरवाइज आई वॉज देयर इन द क्लास। तो आप लोग को खुद में कुछ फील हुआ क्लासेस को लेके? ओपनली पूछ रही हूँ मैं आप दोनों से कि कोई प्रॉब्लम थी ऐसा जो अपनी बात क्लास करूँ तो में। अच्छा नहीं, प्रॉब्लम तो ऐसे अभी मुझे पर्सनली तो अभी अपने खुद को नहीं फील हुई। आप बताओ। ओके सुनते हैं मैं आपको। मुझे भी ऐसी फील तो नहीं हुई है, बट आप बता दो। नहीं वो तो मैं बताऊंगी, मतलब वैसे नॉर्मली मैं आप लोगों से पूछ रही नहीं वैसा तो लगा नहीं कुछ। हूँ। पहले तो सबसे पहले मैं ये कह रही हूँ सुनीता मैम, आप आकांक्षा मैम और असुनीता मैम, आप दोनों सैपलिंग 3 के टीचर्स हो। आई थिंक आकांक्षा मैम और आप दोनों ने मिलके अपने अपने सब्जेक्ट्स डिवाइड कर रखे हैं, है ना? ईवीएस और मैथ्स सुनीता मैम आप लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी आकांक्षा मैम लेते हैं। तो पहली प्रॉब्लम जो मैंने सुनते हैं मैं आपसे कल भी डिस्कस करी थी, इसलिए मैं दोनों से सामने सामने डिस्कस कर रही हूँ। आपकी वर्कशीट, मतलब मुझे सैपलिंग 1 से लेके क्लास 3 तक की वर्कशीट्स मेरे को चेक करनी होती है।
ठीक है, वो सारी वर्कशीट्स मुझे टाइम पे मिल जाती है, इररिस्पेक्टिव जो सुनीता मैम आपकी वर्कशीट्स होती हैं, क्योंकि आप लोग मेरा स्टैंड नहीं समझ रहे हो। मेरे को ना इतनी सारी क्लासेस की वर्कशीट चेक करनी होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार बहुत सारी और भी चीजें होती है जो देखनी होती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि मैं रात को ही बैठ के मैसेज देखती हूँ, क्योंकि रात को ही मैं फ्री होके जब अपना काम करने बैठती हूँ तब मैं वो मैसेजेस चेक करती हूँ, क्योंकि उस टाइम में बैठ के अपनी वर्कशीट से अपना काम बैठ के कर रही होती हूँ, बाकी टाइम तो स्कूल में ही निकल जाता है, स्कूल के काम में ही। तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, हो सकता है आप लोग की वर्कशीट आपने तो अपनी तरफ से बना के मुझे दे दी बट मैं नहीं देख पाई, तो एटलीस्ट 3 डेज का गैप मैं इसलिए मांगती हूँ कि ठीक है चलो एक बार को चेक करने में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मैं आराम से, एक दिन नहीं देख पाई दूसरे दिन एटलीस्ट, थर्ड डे मुझे पता होता है, मैं लिख के रखती हूँ इसीलिए कि आज इसकी वर्कशीट आई है, आज इसकी वर्कशीट मुझे चेक करनी है। मैम साथ में बच्चों के मेल पे होमवर्क्स आते हैं, तो सारे होमवर्क चेक करके रिवर्ट भी करना होता है हमें, कौन से बच्चे का आया है कौन से बच्चे का नहीं आया है और क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से भी पूरी लिस्ट बना के रिवर्ट करना होता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आपसे बार बार मैं बोलती हूँ कि मुझे 3 डेज पहले ही दीजिए वर्कशीट, संडे को आप दे दीजिए अगर, मतलब ऑब्वियसली मैम देखिए साफ सी बात है, काम घर का आपको भी है मैम, सबको है, आप दोनों को भी काम है मैम, वो काम सबको है, एवरी वन, नो वन इज फ्री राइट नाउ, एंड जितना टाइम है पहले था काम का उससे डबल हो चुका है, ये सबको पता है। बहुत ज्यादा। अब हाँ मैम हो चुका है मैम, आप लोग ये सोचो ना आप खाली क्लास ले रहे हो रेगुलरली, आप ये बात सोचो ना आप खाली क्लास ले रहे हो, आपकी शायद वीक में कोई एक मीटिंग हो जाती है, हमारी हर दिन मीटिंग हो रही है, तो मैम वो सारे काम तो हमारे भी पास है ना, वो काम सारे हमारे पास भी है, बट मैम अगर आप प्रॉपर टाइम देखो तो फ्रॉम 7:30 टिल 3:45 वाज द नॉर्मल स्कूल टाइम, सॉरी 7:30, 7:30 टिल 3:45 वाज द नॉर्मल स्कूल टाइम दैट वी वुड हैव जॉइंड। अगर हम स्कूल होते तो हम शायद अपने घर से 6:30 7 पे या 7 बजे निकलते, 4 बजे निकलते तो हम एटलीस्ट 4:30 5 बजे अपने घर पहुंचते एक्चुअली सोनल मैम, जैसे कि मैं बार बार जैसे सुनीता मैम को ही अगर किसी चीज के लिए रिमाइंड करा रही हूँ, जैसे हमें पता है कि हमें अपना एरियो नेक्स्ट 3 बजे तक भेज देना है बच्चों को, तो 2 बजे, 2 बजे ये मैम दो सारा बजे एरियोनेक्स फिल हाँ हो दो जाना बजे चाहिए। जैसे 2 बजे तक भेज देना है। जैसे कभी हो जाता है कि चलो बहुत कनेक्शन प्रॉब्लम है कुछ है, तो वो हम आपको बता के या जैसे मंदीप सर को कुछ इन्फॉर्म करके कि सर वी हैव एरर, तो मैं अभी कर दूंगी जितनी जल्दी मेरा नेट आ जाएगा। तो उससे बार बार सुनीता मैम को भी रिमाइंड कराना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो सोचेंगे कि वो मुझे प्रेशराइज कर रही है, कांक्षा मैम मुझे प्रेशराइज कर रही है, बट ऐसा नहीं कि मैं उन्हें प्रेशराइज कर रही हूँ, क्योंकि वो हमारी क्लास है, तो मुझे उनको रिमाइंड कराना ही कराना है कि मैम ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हम दोनों का काम है। यस एक मैं एंड अपना काम एग्जैक्टली पूरा कर रही हूँ, मैं अपना काम पूरा कर रही हूँ, और उनकी वजह से अगर कोई चीज डिले हो रही है तो उसकी वजह से फिर मेरा मुझे भी काउंट किया जाता है, और हमारा भी सब दोनों की एक्चुअली मैम कंपनी हो देखिए रही है। सुनीता मैम एंड आकांक्षा मैम दिस इज होल फॉर सैपलिंग 3। नहीं, एक मिनट सोनल सुनीता मैम, मैम। एक मिनट सुनीता मैम, बस मैं आपकी बात भी सुनूंगी 100%, बट दिस इज होल फॉर टीम वर्क एंड दिस इज सैपलिंग 3 वर्क। ठीक है, कोई ये नहीं पूछने आएगा आपसे, देखिए पर्सनली मैं आप लोगों से डील कर रही हूँ, आप दोनों से बात करती हूँ, आप लोग की प्रॉब्लम सुन रही हूँ, इसलिए समवेयर मुझे ये बात पता है कि चलो किसका किसका क्या क्या काम डिवाइड है। ना प्रिंसिपल मैम ना भारत सर पूछने से 1 मिनट पहले ये कहेंगे कि आकांक्षा मैम आपने काम नहीं करा या सुनीता मैम आपने काम नहीं करा, वो साफ साफ लिखेंगे सैपलिंग 3 के टीचर्स ने ये काम नहीं करा ना, उनके लिए आप दोनों इक्वल हो, जैसे हमारे लिए दोनों इक्वल हो वैसे उनके लिए भी आप दोनों इक्वल हो। और मैम जैसे आपने कल भी कहा, मैंने आपसे एक बार पहले भी कही थी मैम, हम में से कोई भी अब नया टीचर नहीं है, आप तो 7 मंथ हो गए आपको स्कूल में मैम, नो डाउट क्लास इज न्यू, दैट आई एक्सेप्ट योर क्लास इज न्यू, बट यू हैव ऑलरेडी वर्क्ड अबाउट फॉर द स्कूल, मैंने आपने नुपुर मैम के साथ पूरा काम करा है, आपने सितंबर या अक्टूबर आई गेस ज्वाइन किया था, उसके बाद से आपने काम करा है, एडोनेक्स फिल करने से लेके अटेंडेंस का काम और ये सारा काम सबको कर लिया, और जैसे आपको कंटेंट की प्रॉब्लम है मैंने आपको पहले भी कहा, आकांक्षा मैम इज देयर, नई प्रॉब्लम है नहीं, अगर आपको लग रहा है कि चलो आप नहीं सॉल्व हो रही है, मैंने आपको एन नंबर ऑफ टाइम कहा मैम यहाँ पे आप किसी से भी हाँ, पूछ यहाँ लीजिए आपको सब पे बताएगा। कंटेंट में ना मेरे को ये होता है कि जैसे अभी मुझे पता, धीरे धीरे क्लास लेते लेते अब मुझे चल रहा है कि पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं,
फिर स्पेलिंग्स बताते हैं, उसके बाद राइटिंग वाली वर्कशीट हम तब बनाते हैं। जैसे मैंने आपको वर्कशीट अगर राइटिंग वाली बना के भेज दी, तो उसके बाद फिर मुझे फील होता है कि मैंने राइटिंग की बना तो दी, बट पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना होता है, तो मुझे वहां पे एडिट बिल्कुल करना पड़ता है, तो यहाँ पे मुझे नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम आ इन्होंने जाती है। सुनीता मैम ने उस वर्कशीट को बच्चों को शो किया क्लास में कि टुडे आई विल शेयर दिस वर्कशीट विद यू, ठीक है। इन्होंने वो वर्कशीट बच्चों को दिखा दी, और फिर जब मैंने ये चीज नोटिस की कि मैम आपने तो एक बार भी अभी तक इसको लिखवाया नहीं है, अभी तक हमने एक बार भी उसको क्लास में नहीं कराया है, 3 बार हम क्लासेस ले चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने एक बार भी रिटर्न वर्क नहीं स्टार्ट किया है, ना ही बच्चों ने लर्न किया है, हम बस बच्चों को एक बार बता रहे हैं, लर्न नहीं करा रहे। मैम लर्न कराना इज समथिंग डिफरेंट, लर्न कराना डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल क्लासेस भी लर्न करा रहे हैं, तो हमें जितना हम ओरल्स क्लास में कराते हैं, यहाँ पे हमें उसका डबल कराना पड़ेगा, उसके बाद हम डबल करवाना क्वेश्चंस पे पड़ेगा। जाते हैं, उसके बाद लास्ट में मैम ये हमारा लास्ट का होता है स्टेज कि हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। और ये चीज मैं सुनीता मैम को बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत बार समझा चुकी हूँ, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन पार्ट भी हमारा एक्चुअली अधूरा आज की रह जाता क्लास है। में भी अभी आप लोगों से ये डिस्कस करने से पहले ही मैंने लिखा हुआ है, नंबर नेम्स 1 to 20 नंबर नेम्स विदाउट इंट्रो, जस्ट शोइंग पिक्चर्स, इट्स वेरी गोइंग ऑन वेरी क्विक, लिटिल सीम्स लिटिल बोरिंग, नो इंटरेक्शन इन द क्लास विद द स्टूडेंट्स इनिशियली। ये चीज थी जो मैंने अभी मैथ्स के उसके लिए लिखी थी, इसके बारे में अभी आपसे डिस्कस करूंगी 2 मिनट रुक के। बट एज मैम देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट है, मैंने आपसे पहले भी कहा, शायद मेरी आपसे 15-20 दिन पहले भी हाँ बात हुई थी इस बारे सोनल, में, उसके बाद सोनल मैम, तब मैंने आपको वो वर्कशीट एडिट करके जब आपको भेजी थी ना वो कि वाली मैम, बात कर ही नहीं रही हूँ मैम। हाँ मैं वो तब आपसे कह रही हूँ, भेजी मेरी थी। आपसे 15-20 मिनट पहले बात हुई थी, 15-20 दिन पहले सॉरी बात हुई थी मेरी आपसे, तब भी मैंने आपसे कहा था कि मैम पहले आप कांचा मैम से पूछिएगा पहला, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आपको हो सकता है कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ आप लोग की अभी क्योंकि तुरंत तुरंत नई नई क्लास है, ट्यूनिंग होने में आप नॉर्मली क्लास में वर्चुअल क्लासेस में सीधे बात कर रहे हो, मिल रहे हो, उससे थोड़ा टाइम लगेगा। बट स्टिल इफ यू फील कि अगर आपने आंसर क्वेश्चन पूछा, अगर आपको नहीं लग रहा है कि ठीक है चलो मेरे को बता दिया मैम ने, बट मेरे को थोड़ा, या मैम बिजी है, मैम ने आपको नहीं बताया, मैंने आपसे तुरंत कहा मैम एनी टाइम आप मुझसे प्लीज पूछ लीजिए, हो सकता है किसी दिन मैं बिजी हूं, मैं नहीं उठा पाई फोन, टॉक टू गीतांजलि मैम, मैंने आपसे ये वाला भी बट ऑप्शन ऐसा दिया था। सोनल मैम ये कभी तीनों नहीं ऑप्शन होता है आपको कि नहीं, सुनीता मैम कभी वो कुछ आई मैसेज अंडरस्टैंड। करें और मैं रिप्लाई ना करूं। इनफैक्ट मैं उनसे बोलती हूँ कि गूगल पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, हाँ आपके पास बहुत सारे कंटेंट है। अगला मैं आपको मैम यही बोलने वाली थी। देखिए मैम इस टाइम आप शायद घर पे होंगे, मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रही हूँ, 3.5 GB डेटा इस टाइम मुझे मिल रहा है, मेरे घर का वाईफाई नहीं चल रहा है, अच्छा तो सोनल मैम, मैं वो नहीं कह रही आपको हूँ, मैं लग क्या आपको एक लगता है, नॉर्मल आपको बात बता रही हूँ आकांक्षा मैम, मैम को कि मेरी बात एक बार आप सुन बोलो। तो लो मैम, मैं लगने या नहीं लगने की बात हाँ नहीं कर रही हूँ मैम, उसमें से ना अगले दिन की क्लास में मुझे क्या पढ़ाना है या वीक की क्लास में क्या पढ़ाना है, उसके लिए मैं कम से कम 7 से 8 वीडियो देखती हूँ, जबकि मैंने ये सेम क्लास लास्ट ईयर पढ़ा चुकी है, ये सेम अच्छा क्लास मैम मैंने लास्ट ईयर पढ़ा ली है, पढ़ा चुकी हूँ, इससे पहले नहीं पढ़ाई थी SST क्लास 5 में या क्लास 4 में या क्लास 3 में, पर लास्ट ईयर से पढ़ाना स्टार्ट किया, वैशाली थी मेरे साथ में, बट इतना टाइम मैम देखिए स्कूल में भी बहुत ज्यादा नहीं होता है कि हम बैठ के एक दूसरे से बैठ के ये पूछे कि सुनो तुमने क्या पढ़ाया और सुनो मैंने क्या पढ़ाया, उसने बता दिया ये चैप्टर है, चैप्टर मैंने पढ़ा। अब मैम देखो कहीं ना कहीं हमें इतना यूज, अपने आप को कंटेंट इज अवेलेबल एवरीवेयर अच्छा राइट नाउ, कंटेंट इज अवेलेबल एवरीवेयर राइट नाउ, मुझे अगर पैरेलल्स एंड मेरिडियंस पढ़ाना था मैम पिछले 4-5 दिनों में मैंने 8 से 9 वीडियो देखे हैं पैरेलल्स एंड मेरिडियंस में, फिर मैंने वो वीडियो चूज करा है, फिर मैंने उसके हिसाब से अपना कंटेंट डिजाइन किया है, क्योंकि मैम ये डिफरेंस आता है, हमें कंटेंट चेक करना पड़ेगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, आप एक बार सर्च करोगे, आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल फूड नेम था, आप एक बार फूड नेम फॉर प्री प्राइमरी डाल के देखो मैम, 7-8 वीडियो क्या 50 वीडियो खुलेंगे, आप एक एक करके उनको देखो मैम, टाइम देना पड़ेगा, और अगर आपको ये लगता है आप न्यू हो मैम, कोई आपको सी मैम 100% everyone is there to guide you, बट कोई उंगली पकड़ के आपको exactly ये नहीं बताएगा कि मैम अब आपको ये पढ़ना है, मैम अब आपको ये पढ़ना है और अब आपको ये बताना है, मैम हेल्प इज समथिंग एल्स, आप मुझसे भी फोन करके पूछोगे मैं आपसे बताऊंगी कि मैम ये वर्ड्स हैं जो आप करा सकते हो, है ना, इनको आप इस तरह से करा सकते हो, पर क्या होता है मैम जब आप उन चीजों को, मैंने अभी आपको फोन पे बताया, पर जब हम उन चीजों को ना वीडियोस के थ्रू देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी एक, मैंने लास्ट ईयर बच्चों को पढ़ाया था, एक चीज थी मेरे को भी कंफ्यूजन था, मैंने वो वीडियोस देखे मुझे इतनी अच्छी क्लियर हुई कि मैंने बच्चों को कल उसके हिसाब से पढ़ाया,
तो मैम एक वीडियो दो वीडियो से नहीं होता है मैम, देखो साफ बात है, मुझे भी पता है आपके पास काम है, आप घर पे हो मैम, हर कोई घर पे है, और शायद इस टाइम सबके पास ज्यादा काम है, किसी के घर में काम वाली नहीं आ रही है, एवरी वन इज समवेयर और द अदर इन्वॉल्व, बट आप बताओ अगर ये वाला एक्सक्यूज हम, और ये एक्सक्यूज मैम पता है क्या होता है, कोई बियर नहीं कर पाएगा, एक बार को आप शाम के लिए बोलोगे ना, एवरी वन विल फॉर अ मिनट एक्सेप्ट इट, फॉर अ मिनट एवरी वन विल एक्सेप्ट इट, बट आप दिन के लिए बोलोगे ना, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. मैम आज मेरी एक भी क्लास नहीं थी, आज मेरी एक भी क्लास नहीं थी, और आप पूछ लो अगर कि मैंने मम्मी के पास जाके किचन में कुछ काम करा होगा या नहीं करा होगा, यहाँ पर जो चलिए मम्मी है नहीं, अगर मम्मी होती, मम्मी आज बाहर होती या हम कहीं बाहर होते तो हम ही करते ना. शिवाली मैम रात कभी 3 बजे खाना बना रही है, कभी 4 बजे खाना बना रही है, कभी वो अपनी मम्मी उनकी बना रही है, तो मैम एवरी वन इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली, एवरी वन, ईच एंड एवरी वन, एंड मैम एवरी वन इज सेलिंग इन द सेम बोट. तो अगर हम मीटिंग अटेंड, मैम पहली तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैम मीटिंग इज वेरी वेरी मैंडेटरी, एंड मैम यू नीड टू अटेंड. मैम देव सर इज अ सिंपल डिफरेंट एंटिटी, वो मैम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, स्टार्टिंग से रहे हैं, और शायद मैं स्कूल में आई थी तो मैंने सबसे पहले उन्हीं से बात करना स्टार्ट किया था, उन्हीं के साथ काम किया था, बट मैम कहीं ना कहीं ये बात प्रिंसिपल मैम ने भी उस दिन आप लोग को बोली थी, और अभी वो भी आती मीटिंग में, उन्होंने मुझे भी ये बोला था, बट उनके सीनियर में मीटिंग थी, उन्होंने मुझे ये बात कही कि जिस दिन तुम इन दोनों लोगों से एक साथ बात करोगे मैं भी रहूंगी. मैंने तब उनको कहा मैम पहले मैं बात करूंगी, बाद में आप बात करिएगा, अगर सही नहीं लगता उसके बाद भी मुझे लगता है कि सोल्यूशन नहीं हुआ है तो आप बात करिएगा. नाउ शी लेफ्ट. हाँ वो चले गई, अब वो देव सर को बताएंगी. देव सर बता देना, मैंने इसीलिए बोला है. वो कह रही, वो सुनीता मैम आपसे बोल रही है कि वर्कशीट पर मैंने क्लास रिकॉर्ड क्यों हो रही है, ये क्लास रिकॉर्ड होती है. अच्छा मैं वही सोच रही हूँ, रिकॉर्डिंग अब तो नहीं हो जाएगी, रिकॉर्डिंग ये क्लाउड अब पता नहीं होगी तो होगी, अब क्या करना है, उस पर अपलोड थोड़ी ना होगी, लेकिन हाँ मैं यही बोल रही हूँ मतलब अपलोड ना हो जाए, बाकी रिकॉर्ड होने की कोई दिक्कत नहीं है, अपलोड नहीं होनी चाहिए. नहीं अपलोड तो सेशंस का ही है, सुना है कि अपलोड तो सेशंस की होंगी. हाँ वो तो है, बट एक मिनट अभी वो लिखेंगी मैम, नेटवर्क इशू, प्लीज जॉइन इन फास्ट. आगे मैम मैं आप ही को मैसेज कर रही थी, मैंने आप ही को मैसेज करा अभी, मैंने देखा अभी देखा. तो मैम ये है कि एग्जैक्टली ये चीज नहीं होती है. देखो मैम देव सर अलग है और आप अलग हो, अगर मैम मीटिंग में गौरव सर और मैं भी बैठना होता है तो हम दोनों अलग अलग बैठते हैं, या हम अगर हमारे नेटवर्क का इशू है तो हम दोनों एक साथ ही बैठ जाए मैम. अच्छा, मीटिंग दोनों को अटेंड करनी होती है. हाँ, अच्छा सोनल मैम, अब तक जितनी भी मीटिंग वगैरह अगर हुई भी है पूरे स्टाफ की, तो शायद मैंने अलग ही अटेंड की है मैम. थ्री हाँ, आज तक की सॉरी 4 मीटिंग्स ऐसी हैं जिसमें आप अटेंड नहीं करे हो आपने, कोई भी ऐसी मीटिंग आपको पता है. हाँ बट सुनीता मैम आपको ना पता कुछ भी नहीं होता है, सुनीता मैम आपको पता कुछ भी नहीं होता है, आप कुछ भी नहीं चेक करते हो, पता है कोई मैसेज प्रॉपर नहीं चेक करते हो. कल हमारी कोऑर्डिनेटर की मीटिंग हुई और कल हम इसी बात पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, हमने मैम को यही बोला 4 to 7 की भी मीटिंग. मुझे सुनीता मैम ने मुझे मैसेज किया, सुनीता मैम ने मुझे मैसेज कर दिया एकदम से, अब मैं सुनीता मैम पे ट्रस्ट करती तो मैं सोनल मैम को मैसेज कर देती कि मैम 1:30 बजे से ना मीटिंग है तो हमारी मीटिंग नहीं हो पाएगी, बट फिर मैंने मैसेज चेक किया BIS फैमिली पे, उस पे लिखा था 8 to 12. कम से कम हम जो भी मैसेज मैम देख रहे हैं, बस सुनीता मैम मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप आकांक्षा मैम देखा करो. आकांक्षा मैम एक्चुअली ना जैसे ही क्लास खत्म हुई मैं अटेंडेंस का कर रही थी, तो देव सर ने मुझसे ये कहा कि हमारी मीटिंग है स्टाफ की पूरी, तो मैंने सर से कहा कि अच्छा ठीक है तो टाइम क्या है, सर ने मुझे कहा 1:30 बजे का है, तब मैंने कहा देव सर को भी मत देखो मैम, आप अपना खुद चेक करो क्योंकि मैम. हाँ यस मैम सुनीता मैम, देव सर इज इन्वॉल्व इन द मैसेज, उनकी मीटिंग है मैम, वो अपनी मीटिंग में जाएंगे. हाँ वो 8 to 12 थी ना, टाइम्स अलग है, हमारा मीटिंग टाइम अलग है, कुछ फुल स्टाफ की मीटिंग है दैट इज डिफरेंट, बट मैम देखिए भले ही हम एक घर में रह रहे हैं, हम एक ही काम कर रहे हैं, सब कुछ एक है, पर मैम एक चीज आप बहुत ध्यान से सोचिए, उनका काम एंटायरली डिफरेंट है और आपका काम एंटायरली डिफरेंट है, उसमें वो करती नहीं मैम. देखिए और दूसरी चीज है, इट्स नॉट, आई एम नॉट ब्लेमिंग देव सर, और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर पता है क्या होता है मैम, देखो हमें, मैं भी अगर मीटिंग में हूँ और एडमिन के लोगों की मीटिंग में सर ने अचानक से कुछ बोला, मैं भी उतना ध्यान से नहीं सुनूंगी कि अच्छा चलो ये तो एडमिन की बात हो रही है,
जब टीचिंग की बात होगी तो मैं ज्यादा फोकस से सुनूंगी कि अच्छा ये मेरे मतलब की बात है। तो मैम सेम इज फॉर देव सर ऑल्सो, जहाँ पे देव सर को अपने उसकी आपको लग रहा है कि मैंने सारी बात देव सर से पूछ ली, बट मैम वाई कांट वी बी देयर इन द मीटिंग? मैम डू देव सर गो इन योर क्लास टू टीच? इफ यू आर देयर इन द स्कूल यू हैव टू अटेंड द मीटिंग ना। दिस इज इवन इफ वी आर सिटिंग एट होम, मैम वी आर राइट नाउ वर्किंग फॉर स्कूल। सो एवरीवन इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी। ये बात हमने पहले भी बोली है, कल हमारी विंग कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग हुई है मैम के साथ और हमने फ्रस्ट्रेट होके सबसे एक ही सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि मैम टीचर मीटिंग में आता नहीं है, वो इधर उधर से चार लोगों से फिर दूसरी पूछता है या वो हमें चार बार अगला फोन करता है और हम उसके बाद फ्रस्ट्रेट होते हैं। हमारे पास इतना काम खुद लाइंड अप होता है, एक मीटिंग के बाद हम उनको समझाते हैं या वो अपने को टीचर से पूछ रहा है या वो अपने किसी एक्स वाई जेड से पूछ रहा है फ्रेंड से, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लास्ट में काम खराब होता है, वो हमारे सर के ऊपर वापस आ जाता है। तब भी हमसे कल यही बोला गया, पहले भी हमसे बोला गया, जो अटेंड नहीं कर रहा है नाम लिख के दो, सैलरी कटवाओ, मार्क देम एज लीव। मैम कुछ तो रीजन है कि मीटिंग हो रही है, आप मतलब खुद ही एक बार को सोचो कि मीटिंग फुल स्टाफ की मीटिंग का अगर ऐसा होता तो वो भी ये बोल देते कि एक काम करो गौरव सर आप अटेंड कर लो, सोनल मैम को रहने देना, आप एक ही घर में हो आप लोग पूछ लोगे, मनदीप सर आप रहने दो जगजीत मैम अटेंड कर लेंगी। पर ऐसा नहीं होता मैम, सब अटेंड करते हैं और मैम आप बिलीव नहीं करोगे मैम सबके घर में उतना ही काम है। आप अभी दो हो शायद तीन लोग हो घर पे, बट मैम एवरी वन इज हैविंग द सेम वर्क एट होम, उतना ही काम है, उससे ज्यादा हो सकता है कम नहीं होता किसी का भी, और सबने अपने हिसाब से मैनेज करना होता है। तो मैम पता क्या होता है, उस दिन आपने बोला मैं किचन में खाना बना रही थी, मैम आप पूछ लेना मेरे घर में क्या होता है, उस दिन मैं मम्मी लोग ने खाना खाने बैठे, मेरा मीटिंग का आ गया, मैं चली गई वापस, जब मैं मीटिंग में से आके देख रही हूँ तो देखा मम्मी वहां बैठी हुई है बेड पे, मम्मी ने खाना नहीं खाया था। तब मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी मत छोड़ा करिए, 3:30-4 बज गए आपने खाया नहीं अभी तक, मैंने कहा वही अगले दिन की मीटिंग में आप लोग के सामने बैठ के मैं खाना खा रही थी, क्योंकि जस्ट अगली मीटिंग फिर से मेरी थी। तो मैम ये सबके साथ हो रहा है, हमें तो चलो मैम बन के मिल रहा है तब भी खाने का टाइम नहीं हो रहा है, आई अग्री आप लोग को भी बनाना हो रहा है, बट मैम फिर भी मतलब एक एक हर चीज का टाइम है। आप लोग को देखो मैम 7:30 बजे उठ के कभी किसी ने नहीं बोला कि आप 7:30 बजे उठ के स्कूल के काम के लिए बैठ जाओ, नहीं बोला आई गेस, किसी ने नहीं बोला, बट 10 बजे तक का तो टाइम सबको मिला है इतना, ना किसी ने आज तक आपसे ये बोला कि आप योगा सेशन कंपल्सरीली ज्वाइन करो, किसी ने नहीं बोला। तो मैम हमें वहां पे भी तो रिलैक्सेशन मिले हैं, आप ये भी तो देखो, वी हैव टू टेक क्लास फ्रॉम 10 to 1 afterwards if any meeting is there, और हम अपने हिसाब से आप लोग काम कर ले रहे हो। कल आपको पता है exactly 7:45 बजे तक मेरी मॉर्निंग से क्लास के बाद लगातार मीटिंग हो के बाद 7:45 बजे हमारी मीटिंग खत्म हुई है, फोन मैंने 7:45 बजे छोड़ा है। तो मैम सब लोग हैं, आप लोग मतलब वो फील हो रहा है, बट मैं आपको यही बता रही हूँ मैम एवरी वन इज ऑन द सेम बोट। तो मैम इफ यू गिव दिस थिंग अगेन एंड अगेन कि मैम मैं खाना बना रही थी या मैं काम कर रही थी, तो मैम वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, दूसरों को एडजस्ट करना भी उसके हिसाब से काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। और सेकेंडरी बात मैम मीटिंग में क्या हुआ, मैसेजेस क्या है, मैम वी नीड टू रीड इट, वी नीड टू रीड इट। मैंने आपसे ये बात पहले भी कही है कि मैम आप मैसेज देखते हो आप रिप्लाई नहीं करते हो, मैंने आपसे पर्सनली भी ये बात कही है कि मैम आप मैसेज देखते हो आपका रिप्लाई नहीं आता है, या मुझे हमेशा हर चीज में लेट में पता चलता है। मैम आप मतलब आपको सच्ची मैम आई फील रियली बैड टू से दिस, बट मैम पूरे सैपलिंग 1 से लेके सैपलिंग 3 तक में क्लास 3 तक में केवल और केवल ये इशू आपके साथ आ रहा है। और मैम पता है फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये पूरी ये तो सैपलिंग 3 में ही इशू आ रहा है। मैम आप सोचो मतलब आई डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रज अगेंस्ट यू मैम के पास साथ कि आपकी कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, बट हम बार बार एक बात कह रहे हैं तो शायद कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, हम बार बार कह रहे हैं मैम। और मैम देखो एक क्लास दो क्लास हर किसी की ऊपर नीचे हो जाती है, वी अंडरस्टैंड फॉर दैट पॉइंट, बट मैम अगर सब जगह पे बार बार एक ही इशू में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर बोलेंगे हम। और मैंने आपको कल भी यही बात कही मैम, एज अ फ्रेंड मैं आपको बोल रही हूँ, बट मैम वी नीड टू टेक अप सर्टेन चार्जेस आवरसेल्फ, मैम नो वन विल गाइड अस। चाहे देखो आकांक्षा मैम भी थी मैम मेरे साथ, नेहा मैम भी थी मेरे साथ, और मैं जब किसी की को टीचर थी,
मैं तब के लिए भी आपको बता रही हूँ जब मैं भी किसी की को टीचर थी, शायद मैंने बहुत सारी चीजें शायद प्रॉब्लम भी फेस करी हो, शायद अगर आकांक्षा मैम मेरे साथ रही हो शायद उन्होंने भी मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम फेस करी हो, शायद नेहा मेरे साथ रही हो तो मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हुई हो उसको. पर मैम पता है क्या होता है, एक चीज होती है मैम, एनी वन कैन शो अस द वे, चलना हमें खुद पड़ेगा, काम करना हमें खुद सीखना पड़ेगा. मैं आपको ये बता दूंगी मैम, ये लिख लो, पर मैम कैसे पढ़ाना है, कैसे ढूंढना है, वो आपको पूरा और पूरा एक्सप्लोर खुद करना पड़ेगा. मैम अब तो हम बहुत लकी हैं, भारत सर पहले डेमोज लेते थे, पूरे जून भर डेमोज होते थे, और मेरी पहली क्लास ही डेमो में हुई निकली है, मैंने उससे पहले कभी पढ़ाया नहीं था. मुझे ये बोला गया था कि आप पढ़ाते अच्छा नहीं हो, आप रहन दो मैं पढ़ाऊंगी, और तब मुझे पता चला कि अच्छा भारत सर डेमो लेने बैठे हैं. और मुझे ये भी नहीं बताया गया था मैम कि क्या नाम है, आपको ये पढ़ाना है और आपको ये पढ़ाना है और ऐसे पढ़ाना है, या चलो आपको यही बोला था सोनल मैम, आपको बोला था? हाँ जब मेरे, हाँ जब मेरे को बोला था तब की बात कर रही हूँ. अच्छा आपके तो, डेमो में भारत सर बैठे थे? हाँ. हाँ नहीं वो डेमो तो बहुत बात था मैम जब मैं फर्स्ट ईयर में, अच्छा, में फर्स्ट ईयर था. अच्छा जब भारतीय में मेरा फर्स्ट ईयर था तो मैम किसी ने ये भी नहीं बताया था कि टॉपिक भी कौन सा ले सकते हो, वो अपने आप चूज करना पड़ा था मैम. पर अब चीजें ना बहुत चेंज हो गई है, एंड शायद दैट वाज बिकॉज़ ऑफ हर दैट आई हैव लर्न सो मच, क्योंकि उसने मुझे पूरा खुला छूट दी कि सीखो, अपने आप सीखो, जहां से भी सीखना है सीखो. सेम हियर विद सोनल मैम, इट हैपेंस. मेरी भी फर्स्ट क्लास सोनल मैम के साथ ही थी, और तो मैंने जो भी ओरल्स कराने और जो भी पढ़ाना जो भी सीखा वो शायद सोनल मैम से ही सीखा था. मैम पता है क्या होता है, देखो आप लोग अभी क्लास में नहीं हो, ऑब्वियसली आप एक्सप्लोर एक दूसरे को देख के एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो. हम लोग के पास ये एक बेनिफिट था कि चलो हम क्लास में थे. हाँ क्लास वगैरह हाँ. होने के बाद ये लॉकडाउन होता ना तो शायद थोड़ा सा कंफर्टेबल भी हो जाता मेरे लिए चीजें समझने के लिए. पर मैम देखो आपने इससे पहले, पर मैम एक बात, इट्स देयर इज नथिंग अबाउट सैपलिंग 3, कोई बड़ा हुआ सैपलिंग 3 नहीं है मैम. पढ़ाई हर जगह सेम है, पूरी दुनिया की पढ़ाई सेम है, हमें पढ़ाते कैसे है वो हर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है. दिल्ली के स्कूल का टीचर भी वही एग्जैक्टली चीजें पढ़ाता है, बॉम्बे का स्कूल का टीचर भी वही पढ़ाता है जो हम रुद्रपुर में बैठ के पढ़ा रहे होते हैं. हम कैसे पढ़ा रहे हैं वो हर टीचर का अपना स्टाइल होता है. आपको पढ़ाना ही तो है, अब तो आपको मैंने पूरा पीडीएफ भी शेयर किया था कि आपको वर्कशीट बनाने में भी दिक्कत ना है. आप शेयर कर रहे थे कि मुझे वर्कशीट बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी पेस्ट कर रहे हो, वो भी सोनल मैम ने वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बोला था न्यू वर्कशीट्स के लिए, वो भी हम कर रहे हैं उसी तरीके से कर रहे हैं. प्रॉपर कंटेंट है, कल मैंने आपको बताया कि 5 फूड नेम्स जाएंगे, आप उनकी इमेजेस निकाल लो, शो कर सकते हो. अब मैम इससे ज्यादा और क्या बता सकते हैं, आप ये बताइए ना, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, पढ़ाना किस वे में है वो तो आप खुद देखोगे ना. मैम मैं बार बार आपसे इसलिए कह रही हूँ, देखो इट्स फॉर एवरीवन, फॉर मी, फॉर आकांक्षा मैम, फॉर यू. हम कोई भी टॉपिक देखे, जैसे हमें लगता है ना कि ये तो मुझे आता है, मैम कुछ भी हमें पता है, हमें कुछ भी नहीं आता, सीरियसली बता रही हूँ. जब हम वो चीज पढ़ाने लगते है ना तो हम, और जब हम उसको एक्सप्लोर करने लगते हैं तो हमें पता चलता है वाओ देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें पता एक्चुअली नहीं पता होती, और ये मैम फैक्ट होता है, ये फैक्ट होता है मैम. कल जब मैंने अभी तक क्या होता था कि हर कोई लास्ट ईयर तक सब कोई बोलता था मैम आप बहुत अच्छा एसएसटी पढ़ा रहे हो, ठीक है. जब मैंने लास्ट ईयर की क्लास में और कल की क्लास में अपने कंपेयर करा तो मुझे फील हुआ कि जमीन आसमान का डिफरेंस है. क्यों? क्योंकि जो मेरे को शायद कल वीडियोज मिले वो मैंने पिछले साल नहीं मिले, मैंने पिछले साल जो एक्सप्लोर किया वो इस साल नहीं मिला, वो आर्ट्स जो नए मिले उससे कुछ ना कुछ छोटे छोटे ही चीजें पता चली मैम, वो ज्यादा अच्छा, मतलब हम खुद में ही सैटिस्फाइड रहे. फिर पता है सबसे बड़ा सैटिस्फैक्शन इज नॉट पेरेंट्स, द बेस्ट सैटिस्फैक्शन जो मिलता है वो खुद से मिलता है. अगर जिस दिन हमें फील हुआ कि हमारी क्लास अच्छी हुई ना, उसी दिन क्लास अच्छी होती है मैम, उसी दिन क्लास अच्छी होती है. इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों से ही पूछा कि आपको कैसा फील हुआ, कि क्लास कैसी लगी. और अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं हमारी तो हर बार ही सही, हम तो सबसे अच्छा पढ़ाते, मैम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता मैम, सच्ची बता रही हूँ. मैम आई हैव सीन द क्लासेस, आप लिटरली मानो एक एक टीचर कर रहा है, आप लोग पे क्लास में बच्चे कम आ रहे हैं मैम, 63 बच्चे भी बैठ रहे हैं क्लासेस में. आप ये सोचो 63 बच्चे भी बैठ रहे हैं क्लासेस में. मैं फिफ्थ में पढ़ाने जाती हूँ, मैं थर्ड में पढ़ाने जाती हूँ मैम, मेरी क्लास में 67 बच्चे कल थे थर्ड में. तो मैम इतने बच्चे होते हैं उनके बीच में आपको चुप भी कराना होता है मैम इसमें. देखो और एक चीज जो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगी,
वो आज से स्टार्टिंग से लगी वो दोनों को बोल रही हूँ, जब आप एक दूसरे को बोलते हो मैम अनम्यूट मी या मैम प्लीज शेयर दिस, आप दोनों एक दूसरे से बोलते हो मैम, वो ना बहुत थोड़ा ऑकवर्ड लगता है वहां पे. वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, ओके नाउ लेट्स सी सुनीता मैम हैव समथिंग टू शेयर, लेट अस सी. हाँ, या आप एक दूसरे को पर्सनल मैसेज कर दो, चैट कर दो. वो दोनों के पार्ट में ना, और ये एक के लिए नहीं है, वो दोनों के पार्ट में बड़ा अजीब लगता है उस टाइम. कि वो पता है क्या होता है कि ये फील आती है कि सामने वाले टीचर को नहीं पता, एक टीचर है जो वो गाइड कर रहा है. वो चीज बहुत ऑकवर्ड लगती है. इवन व्हेन वी आर इन द लर्निंग फेज मैम, वो पता है एक तो हमारा सब कुछ रिकॉर्डेड है, पेरेंट्स उसको लाइव देख रहे हैं. ये प्रॉब्लम आप इसके बाद फेस करोगे जब स्कूल ओपन रीओपन होगा. अगर ये चीज ऐसी चलेगी तो आप दोनों को ही प्रॉब्लम फेस करोगे. एक दूसरे को पर्सनल मैसेज कर लो कि मैम काइंडली शेयर द स्क्रीन, या फिर ये दिस इज बट ऑब्वियस, या तो आप लोग एक काम ये कर लो कि इंग्लिश की जब क्लास होती है, और जैसे स्क्रीन शेयरिंग की बात कर रहे थे आप सुबह कल, वैसे सोनल मैम पर्सनल मैसेज, सोनल मैम पर्सनल मैसेज ही करते हैं कभी कभी. हाँ. ना मुंह से निकल जाता है कि मैम प्लीज अनम्यूट मी, पढ़ाते पढ़ाते ना कि प्लीज. अब ना जैसे नेक्स्ट टाइम जैसे टाइम होता है तो हम पर्सनल मैसेज ही करते हैं. और जैसे आपको स्क्रीन शेयर करके एक चीज दिखाती हूँ, जैसे आप बोल रहे थे ना स्क्रीन शेयर में बच्चा दिखता नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ. अच्छा अटेंडी शेयरिंग नहीं है मैम, एक बार अटेंडी शेयरिंग ऑन कर दो, डिसेबल कर दो. अच्छा एक काम करो, आप कर नहीं पा रही हूँ मैं स्क्रीन शेयर ना, होस्ट कौन है? अच्छा मैं आपको होस्ट बना दूँ? हाँ मैं होस्ट बना देती हूँ, एक बार होस्ट बना दो. हाँ ये लो बना दिया. अब जैसे इसमें है, मान लो मैं इसमें से व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, I guess I am visible. No, ma'am. नहीं, मैं जो लिख रही हूँ वो विजिबल है. हाँ हाँ हाँ, वो मतलब मेन कॉन्सेप्ट वो है. मेरा तो वीडियो पॉज ही हो जाएगा, जब हम फोन पे करते हैं तो वीडियो पॉज हो जाता है. पॉज हो जाता है. फाइन, ये हो गया. सोनल मैम मेरा वीडियो पॉज था जब मैं कर रही थी स्क्रीन शेयर, व्हाइट बोर्ड शेयर सॉरी. पर जब हम वीडियो सॉरी ये शेयर करते हैं स्क्रीन में, अभी मेरे इसमें शो नहीं कर रहा कोई और डॉक्यूमेंट्स, मेरे फोन में ऐसे आज कुछ है नहीं. तो उसमें क्या होता है ना, हमें एक ऑप्शन आता है जिसमें हम स्वैप कर देते हैं. जब हम स्वैप करते हैं, जैसे आप अभी दिखा रहे थे, आप जब अपनी स्क्रीन दिखा रहे थे तो आई वॉज एबल टू swap the screen and I was able to see the kids. Main screen को swap करके बच्चे दिख जाते हैं. जैसे आप ये बात कह रहे थे ना कि मैं अगर स्क्रीन शेयर करती हूँ तो मैं बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होता, ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती. आप स्वैप करो, जब स्वैप करोगे तो आपको बच्चा दिखेगा. आप उसको इफ यू आर द होस्ट और इफ यू आर द को होस्ट, आप उसको इजिली अनम्यूट कर सकते हो और इजिली उस काम को मतलब इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हो. उसे प्रॉब्लम तब नहीं आती है. हल्का से बस स्वैप करके देखो, और अगर फिर भी मैम बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है तो देखो, आपके पास अब आई गेस डेस्कटॉप है बट उसमें वो नहीं है, कैमरा नहीं है, इसलिए आप शायद फोन पे यूज करते हो. फोन पे यूज करते हो तो वही देव सर, और आप दोनों फोन पे यूज करते हो? हाँ देव सर तो फोन में भी करते हैं और पीसी से भी कनेक्ट करते हैं, पता उनका वो वीडियो चलानी होती है उनको. हाँ, देव सर को तो वीडियो हाँ. उनको तो उसमें चाहिए. तो आप स्वैप करके देख लो मैम. और इसमें जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं तो ऑप्शंस आते हैं मैम, इसमें आता है आपका वेब यूआरएल, एक ऑप्शन आता है नीचे से. हाँ, फोर्थ ऑप्शन नीचे से फोर्थ ऑप्शन आता है. जैसे कहते हो कि फोन से वो नहीं चलता, वीडियो नहीं चलता, मैम चलता है फोन से वीडियो. आप वहां से यूआरएल कॉपी करो, यहाँ पे वेब यूआरएल डालो, वेब यूआरएल पे क्लिक करो, वहां से कॉपी करो, यहाँ पे उसको पेस्ट करो और वो सब चलता है. आप कॉपी करके रख लो पहले से यूआरएल अगर लगता है, अदरवाइज इसमें आप अपने ड्राइव में सेव कर लो. फोन पे अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, गूगल ड्राइव में सेव कर लो, गूगल ड्राइव से दिखता है. अगर आप वीडियो ट्राई किया था बट हुआ नहीं था,
वहाँ पे पेस्ट करना, पेस्ट करके हो जाता है आराम से. वरना अपनी जो गूगल ड्राइव होती है, गूगल ड्राइव में जाके उसमें देख के कर लेना. अब इसमें स्क्रीन भी आती है, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन भी आता है. तो नाउ अलाउ जूम टू रिकॉर्ड द कास्ट योर स्क्रीन. तो अब हम अपनी स्क्रीन करते हैं. अगर हमने इसको स्टार्ट कर दिया तो ये ऑप्शन आ गया मेरे पास. मेरे पास क्या क्या है, मुझे कहाँ से ओपन करना है, फ्लोटिंग विंडोज के थ्रू. फ्लोटिंग विंडोज भी आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं जिसको हम क्लिक कर सकते हैं. एक बार इसको एक्सप्लोर करने में थोड़ा लगता है टाइम, एक बार एक्सप्लोर कर लो, हो जाएगा. मतलब बेसिक सबसे ईजी मेथड है, बाकी चीजों एक्सप्लोर करने से बेटर ईजी मेथड होता है कि हम URL वहां से कॉपी कर लो और URL यहाँ पे पेस्ट कर दो. अच्छा ठीक है, सबसे ईजी वाला जो मेथड आता है, ट्राई करना. जो सबसे ईजी वाला मेथड होता है वो ये वाला होता है. And moving towards today's class, मैम पहले जब आपने स्टार्ट किया तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी आपने इंट्रो ही नहीं दिया. Today we are going to learn number names. See, students, we have already learned number names before also. So today we are going to do it till 1 to 20. और हमें बहुत मजा आने, मतलब पता है क्या होता है मैम, कम्युनिकेशन जीरो है, बच्चा कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा आपसे. आप नहीं चाहते कि बच्चे आपसे, जैसे ही स्कूल खुले वो चाहेंगे बिल्कुल हाँ मैं भी, मेरे पास ही रहे बच्चे. तो उसके लिए बच्चों से बात करनी पड़ेगी और बहुत बात करनी पड़ेगी उनसे. ये नहीं कि ओके हाउ आर यू, ओके ये नहीं मैम. आप जब कम्युनिकेट करते हो, जब अपने लेसन भी कराते हो ना, तो उसके थ्रू भी पढ़ाने में. मैम मैं फिफ्थ को पढ़ाती हूँ ना, मैं फिफ्थ में भी स्टोरी पढ़ा देती हूँ. और मैम जो नाइन्थ में पढ़ाता है ना, वो नाइन्थ में भी स्टोरी कनेक्ट करके पढ़ाता है. मैं उस दिन उनको प्लैनेट्स के नाम पढ़ा रही थी, मैंने प्लैनेट्स के नाम पे उनको ये बोला. एक दिन मेरी मम्मा ने नूडल्स बनाए थे मेरे लिए और मैं प्लैनेट्स के नाम नहीं लर्न कर पा रही थी. फिर मुझे एक आइडिया आया, मम्मी ने बहुत अच्छा सा आइडिया दिया मुझे कि अरे हम इसके थ्रू तो एक ऐसा मैंने लाइनअप बनाया जिसके थ्रू हम इजिली प्लैनेट्स के नाम पढ़ सकते हैं. तो मैंने उनको बताया, पता है मैं मेरी आई लव माई मदर, तो मैंने मम्मी के ऊपर ही बनाया है. Like my very energetic mother just served us noodles. सबके first letter लो. मतलब ये चीजें हैं ना मैम, बच्चे जो enjoy करते हैं, बड़े भी करते हैं, तो छोटे को तो जितने से जितनी ये सब type की चीजें मिलती है ना, उनको उसी में मजा आता है, जिसमें उनको ये feel होता है कि चलो teacher भी मेरे level का ही है और वो मेरे बराबर ही है, या teacher हमें ही अपना part बना के काम करा रहा है. खाली पढ़ा, भाई सर ने भी आपको एक बात बताई होगी ना, हमें खाली पढ़ाना नहीं है, वो यही बस एक एक ये चीज है जो मिसिंग है मैम. पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सारे टॉपिक्स पढ़ा रहे हो, आप लोग सारे टॉपिक्स बड़े सीक्वेंस वे में पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छे से करा रहे हो. बट जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो वहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है. मतलब क्लास ऐसी हो रही थी ना, एवरी वन ओ एनी वन टी डब्ल्यू ओ टू थ्री टी एच आर डबल ई थ्री, और मैम इतनी जल्दी बच्चा कभी नहीं पढ़ पाता है, भले ही उसने कोई चीज पढ़ी हो पहले भी. हमें वो चीजें उन्हें कहीं ना कहीं पे बार 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 रिवाइज करानी पड़ती है, बार बार उन्हें बतानी पड़ती है. तो हम अगर करा रहे हैं 1 to 20 नंबर नेम्स, तो मैम बहुत ज्यादा फोकस, आपने पूरा 1 to 20 एक साथ पहले करा दिया, बाद में उसको रिवाइज कराया, तो वो क्या होता है, बड़ा मोनोटोनस हो जाता है. अनेक यही बोल रहा था आपसे, वो अपनी बात रख नहीं पाया एग्जैक्टली. Exactly, वो यही बोल रहा था कि मैम आप इतनी जल्दी जल्दी करा रहे हो, मेरे को इतनी जल्दी समझ नहीं आ रहा है, उसको बोलना यही था. प्रॉब्लम यही हो रही थी मैम, देखो कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, हम भी अगर पहली बार उस चीज को पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे, दूसरी बार भी करेंगे ये तो बहुत छोटे हैं. तो एक थोड़ा सा एक अपना ना पहले लाइनअप कर लो मैम, और वीडियोज प्लीज एक्सप्लोर एक्सप्लोर अगेन एंड अगेन. वी आर सेइंग वी हैव गॉट टाइम टू एक्सप्लोर राइट नाउ, मैम ये मुझे पता है बोलना बहुत इजी हो जा रहा है, पर कहीं ना कहीं देखो मैम, अगर आप यही सोच रहे हो कि ठीक है मुझे 4 बजे के बाद काम ना करना पड़े, तो फिर या तो आप सुबह से उठ के फिर स्टार्ट कर दो वर्कशीट्स वगैरह बना के खत्म कर दो. हेलो आ रही है मुझे, मुझे ऑडिबल है आपकी वॉइस. जहाँ पे पहले बैठे थे या तो वहाँ बैठ जाओ, जहाँ पे आप अभी हो शायद वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा. नहीं मैं वही हूँ फोन.
तो ये वाली प्रॉब्लम मैम बस यही है कि हमें थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा. मतलब वो एक स्टैम्प किसी को भी नहीं चाहिए होगा कि इस टीचर को तो समझ ही नहीं आ रहा, इस टीचर की बात हमें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आप लाइव पढ़ा रहे हो और एक एक पेरेंट्स देख रहा है इस टाइम. और वैसे मैम कोई देखे या ना देखे अपनी क्लासेस में, मतलब अपने काम से बड़ा वो करना चाहिए, क्योंकि मैम यही करा रहा है, जो भी कर रहा है वो हमारा काम ही देता है हमें. तो बस एक बार ये देख लो. आई थिंक मैम फिर चले गए या हैं पता नहीं. सुनीता मैम आर यू देयर? कंटेंट और सर्च कर लो. फूड फूड सिर्फ बन की एक फोटो नहीं, दो तीन फोटोज रख लो दिखाने के लिए. जो फोटोज थी आज, वो फोटोज में ना क्लिप आर्ट के नीचे भी इमेज आ रही थी ना, उनसे बोल देना क्रॉप कर दे, खाली उतनी कर ले, क्रॉप कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, वो इजीली क्रॉप हो जाता है. और उनसे इतना बोल देना यार कि वीडियोस देख ले खूब सारे, क्योंकि देखो साफ यही प्रॉब्लम आ रही है. अभी तो मैं ही बोल रही हूँ ना, कोई पेरेंट्स बोलेगा तो वो उन्हें ही नहीं, हम सबको बुरा लगेगा. बस हाँ वो किसी के लिए बोले, देखो वो उस क्लास की बात है ना, देखो हर कोई और हम भी इनकनेक्टेड है. कोई अगर तुम्हें बोलेगा उन्हें बोलेगा तो वो मुझे भी बुरा लगेगा. हम आपस में देखो एज एन अपनी टीम के अंदर हम एक दूसरे को कुछ भी बोल लें कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा, आपको ये नहीं आ रहा, पर कोई दूसरा बोल देगा ना तो वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, तो वही वाला बस ये वाली एक कॉल है, एक बार उनसे बात कर लेना, उनसे बोल देना कि हाँ. ये चीजें हैं जिसको वो ढूंढ ले. देखो ढूंढना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप न्यू हो. अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे नहीं पता तो वही एक रास्ता है जो बताएगा. अच्छा मुझे एक चीज और पूछनी थी. एक मैम ने मुझसे वीडियो शेयर किया था, सॉरी वो पिक्चर शेयर करी थी वर्कशीट में, उसमें हमने बच्चों को क्या ब्रोकली वगैरह ये सब बताया है? किस चीज की है वो? ब्रोकली नहीं, अभी तो वेजिटेबल्स का कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है. एक्चुअली वो था उसमें मैम ने हेल्दी फूड शायद लिया था, सर्कल द हेल्दी फूड करके कुछ इस टाइप की वर्कशीट थी. अभी तो हेल्दी फूड से रिलेटेड कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है. फूड से रिलेटेड तो आज ही स्टार्ट हुआ है टॉपिक फूड का. इससे पहले माई फैमिली था, बॉडी पार्ट्स था, सेंस ऑर्गन्स था ईवीएस में, और इससे पहले तो नहीं आया. हिंदी इंग्लिश का तो नहीं है? मैं वही देख रही, हिंदी इंग्लिश नहीं है. मैंने शायद उसको सेव ही नहीं करा है. मैम ने भेजा था मुझे ना, मैंने सेव तो करा है, मतलब स्क्रीनशॉट नहीं लिया था मैं करने के लिए, स्क्रीनशॉट लिया था ना कर, नहीं करा. अच्छा, क्योंकि ईवीएस में फूड तो अभी कुछ नहीं करा है, आज ही करा. फूड मैम ने, मैम ने शायद आगे के चैप्टर्स के लिए, आगे की वर्कशीट्स के लिए बनाया था. वो वर्कशीट में था. क्या है इसमें? कहां? एक मिनट रुको, मैं इसमें नहीं है, मैं एक मिनट बता रही हूँ क्या है. एक मिनट बस, मैम ने मुझे भेज रखा था ना. क्या है? वो था, किस चीज की वर्कशीट थी मुझे? EVS food name तो ये वाला था जो मैम ने ये एग बनवा दिया था. इससे पहले भी एक वर्कशीट उन्होंने मुझे भेजी थी. अच्छा, मेरे पास तो उन्होंने भी कोई वर्कशीट फॉरवर्ड की है ना, तो मैंने तो उनकी वर्कशीट नहीं देखी. अच्छा हाँ. अच्छा मैं उनसे बोल दूंगी ना, आप भी बोल देना एक बार कि सारी वर्कशीट जो भी है वो दोनों टीचर्स पे शेयर होंगी. ठीक है ना, पता तो होना चाहिए. क्योंकि एक मिनट अब मैं दिखाती हूँ. फोटोज दिख रहे हैं?
अभी शेयर हो रही है स्क्रीन. हाँ अब आ गया सामने. हेल्दी फूड. अच्छा सर्कल द हेल्दी फूड. हाँ तो ये वाली क्या सब... क्या पूछ रहे थे आप? मतलब यही पूछ रहे थे हमने स्टूडेंट्स को बताया ये सब? नहीं अभी कुछ नहीं बताया. आज ही हाँ, तो आज ही तो हमने स्टार्ट किया है ये फूड. तो आज हमने ये फाइव जो मेन है हमारे बन जैम नट्स एग और ये फाइव ओट्स ये हमने फाइव आज फाइव इंट्रोड्यूस कराए. ये सब नहीं बताया अभी बच्चों को ना ही कुछ शो किया है इसमें से. नहीं करा ये आगे के प्लानिंग में है? नहीं था. कल इन्होंने मुझसे ये इमेज शेयर की थी तो मैंने इनसे बोला था कि अगर हमें रिकॉग्निशन के लिए बच्चों को बताना है हेल्दी फूड्स तो हम बता सकते हैं रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं लेकिन रिटन में नहीं करवाएंगे. रिटन में मैं तभी मुझे यही कंफ्यूजन था ना कि बच्चों को ये रिकॉग्निशन भी शायद नहीं है अभी है ना. नहीं है यही उनसे मैं कल से यही पूछना चाह रही थी ना शायद मैं भी उनको समझा नहीं पा रही थी उस टाइम. मैं उनको इस शीट के लिए मना कर रही थी लेकिन मैंने कहा अगर आपको रिकॉग्निशन बतानी है तो फिर हमें हेल्दी फूड में फिर हमें सारी चीजें बहुत सी चीजें होती हैं जो हम लेके दिखा सकते हैं कि हाँ ठीक है कि ये हेल्दी फूड है. अगर रिकॉग्नाइज कराना है तो क्योंकि रिटर्न में तो हम नहीं जाएंगे. चलो कोई बात नहीं भी मैम आएंगे जब ना. हाँ मैम आ गए शायद. सुनीता मैम नहीं आई है. अच्छा तो ये रिकॉग्निशन में हम ये वाला ये दिखा सकते मतलब अगर वो कराएंगे आगे तो रिकॉग्निशन में. बट फिर हमें प्रॉपर बच्चों को भेजना भी पड़ेगा ना रिकॉग्निशन की शीट्स. फिर तो हमें प्रॉपर शीट देनी पड़ेगी इसमें. हाँ. और भी चीजें हमें इंक्लूड करना पड़ेगा. और भी चीजें हाँ काफी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन फूड्स हैं जिसमें से हमें इंक्लूड करना पड़ेगा. जैसे बच्चे अभी एवोकाडो अभी बच्चों को हमने जब एप्पल बनाना यही सब नहीं बताया तो एग्जैक्टली एवोकाडो स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ तो ये रहने मतलब हम ये को रहने दो मैं. हाँ मतलब ये है ना कि जो भी दिखाओ कम दिखाओ बट कंक्रीट दिखा दो. हाँ मैं यही सोच मतलब उनको ये ना लगे हॉचपॉच नहीं होना चाहिए. हाँ बहुत हॉचपॉच ना हो. और दूसरी चीज ये ना होना चाहिए था कि उन्हें कॉमन चीजों का तो रिकॉग्निशन है नहीं नहीं तो है अभी. हाँ तो हम ये भी कर सकते हैं जैसे ईवीएस का पोर्शन है बहुत सारी चीजें हैं ईवीएस के पोर्शन में तो हम एक वीक ऐसा ले लें आगे की वीक्स में जिसमें हम खाली रिकॉग्निशन में फ्रूट्स आगे तो तुम लिखवाते ही हो शायद फ्रूट्स नेम. हाँ आगे आगे फ्रूट्स वेजिटेबल्स कलर्स सब कुछ है. कुछ है आगे आगे तो वो उनके साथ ले लेंगे ना. उनके साथ ले लेंगे जब फ्रूट्स लेंगे तो सारे फ्रूट्स दिखा देंगे. जब वेजिटेबल्स लेंगे तब ले लेंगे तो उसमें से. हाँ अभी उसमें से ले लेना क्योंकि वो फिर मना कर दूंगी मैं अभी. वो बड़ा ये वाला ना वो ऑकवर्ड सा मतलब ये हो जाता है ना कि बच्चे को पता ही नहीं है. और बच्चे को भी हम मेन जो प्रॉपर फ्रूट्स हैं जो बहुत कॉमन है हमने उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं उनको और हम बाकी चीजें बता रहे हैं तो वो थोड़ा सा थोड़ा सा वो अजीब हो जाता है. और इसके अलावा मैंने और क्या ब्रोकली लेनी होगी तो वेजिटेबल में ले लेंगे. जब वेजिटेबल्स कराएंगे तो ब्रोकली ले लेंगे वो तो शायद लेते हो तब ले लेंगे. और एवोकाडो लेना होगा तो वो बाद में फ्रूट में ले लेंगे. बच्चों ने अपने आप से राइट किया था हमने नहीं कराया था. अच्छा बच्चों ने खुद से राइट की थी ब्रोकली जिसको लिखनी थी जिनको लोन थी. ओके हमने वो कराया था. हाँ ओके तो बस वो वही वाला केस है. मैम मैम के यहाँ से सीटी की आवाज आ रही है या मेरे घर से आ रही है पता नहीं. नहीं वो मेरे यहाँ से आ रही है. मेरे यहाँ से आ रही है. मेरे घर से आ रही है. मेरे घर से मैं वही कहती हूँ पता नहीं किसके यहाँ से आ रही है मेरे यहाँ से आ रही कहाँ से आ रही है ये भी नहीं पता. तो ये एक चीज ये थी आई गेस 15 की और 18 की स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ाते वक्त. नहीं मम्मी बना रही है अभी बेशर्मों की तरह खा लूंगी बैठ के. हाँ तो मैं भी तो वही कर रही हूँ आजकल. नहीं रात को बनाती मैं कभी कभी. हाँ तो इसमें 15 की स्पेलिंग में और शायद 18 की स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रही थी आज. हाँ वो भूल ये सुनीता मैम भूल गई थी ना कि वो एक बार बीच में भूल गई थी तो बाद में इन्होंने बाद में मैंने. हाँ तो वो एक बार थोड़ा सा जो भी कंटेंट है ना एक बार दोनों आपस में मिलके क्रॉस चेक कर लिया करो. अच्छा मैम आई गई. सुनीता मैम आ गई. मैम मैं कही थी 15 और 18 की स्पेलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ना तो वो दोनों आपस में एक बार देख लिया करो जो भी पढ़ाने जा रहे हो ना. कई बार बोलते बोलते हो जाता है कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं. बट उसमें थोड़ा 18 और 15 में दिक्कत हो रही थी एक्चुअली. देखो मैम बाकी क्लास में क्या होता है ना कहीं ना कहीं एक हमारा स्टेप थोड़ा सा वो है डिफिकल्ट इसलिए भी है बच्चे हैं और पेरेंट्स बैठे हुए हैं बच्चों के साथ. कई बार ऐसा होता है क्लासेस में कुछ गड़बड़ हो जाती है हम अगले दिन उसको देख के सही करा लेते हैं.
यहाँ की क्लासेस में ना सीधे टैग पड़ जाएगा इस टीचर को, तो ये पता ही नहीं है वो वाली, जैसे भी शलगम और शलजम वाली बात थी, जब तक मैम को मैसेज लिखी रहती तब तक मैम ने ऑलरेडी बता दिया कि बेटा दोनों यूज होता है, शलगम भी बोलते हैं कई जगह और शलजम भी बोलते हैं, क्योंकि देखो कुछ बच्चे मैम बहुत आउट स्पोकन होते हैं, जैसे देवा ने बोल दिया नहीं मैम ये गलत होता है, बट मैम ने अपनी तरफ से उसको बता दिया कि हाँ शलगम भी होता है और शलजम भी बोलते हैं, हम दोनों बोलते हैं, तो वही मतलब कई बार ऐसा होता है कि इसीलिए कह रही हूँ ना कि थोड़ा सा प्रिपेयर होके, क्योंकि बच्चे कई कई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हमें पता नहीं चलता और हम भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज एक्सप्लोर, अभी तो मैम देखो कॉन्सेप्ट्स नहीं आए हैं, अभी तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी आपके कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे, अभी तो आप पूरा का पूरा स्टार्ट करोगे, काफी सारी डिफरेंट चीजें हैं जो करोगे, ही शी कराओगे, प्रोनाउंस मतलब बेसिकली कराओगे, फिर आप आगे दिस दैट दीज दोस कराओगे, फिर आप ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है आपके, हाँ एग्जामआर कराओगे, सब कुछ कराओगे, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके लिए ना थोड़ा सा कंटेंट वाइज भी क्लैरिटी रखिए और खूब सारे वीडियोस प्लीज देख लीजिए, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ मैम, मैं भी चेक करूंगी, देख लो कभी भी देख लो, कुछ तो दिमाग में जाता है, वीडियोस देख लो बहुत हेल्प मिलती है, और कई वीडियोस ऐसे होते हैं जो इसमें भी मिल जाती है कि आप बच्चों के साथ भी शेयर कर सको, पर कोई भी क्लास से पहले मैम प्लीज हैव प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि बस अरे मैम तो आए, मैम ने पढ़ाया और मैम निकल गए, क्योंकि एग्जैक्टली आज मैथ्स की क्लास ऐसे ही स्टार्ट हुई थी, तभी मैंने आई थिंक आकांक्षा मैम मैंने आपको मैसेज ड्रॉप किया था जब आप पूछ रहे थे कि पता है आज हम मैथ्स की क्लास लेने वाले हैं, मैंने मैम को मैसेज ड्रॉप किया कि लेट सुनीता मैम ओनली टेक द चार्ज, क्योंकि मैं आपको मैसेज नहीं कर पा रही थी, हाँ कि लेट हर ओनली टेक द चार्ज, क्योंकि वही पूरा होल सोल बच्चों से बात भी वही करे, ताकि मैम देखो कनेक्टिविटी बच्चों से ना तभी बैठेगी जितनी आप बात करोगे, तो वो यही हो रहा था ONE TWO TH RR3 FOUR4, बस वो वही चल रहा था, और शायद ना आपको उस टाइम स्क्रीन दिखाने की भी जरूरत नहीं होती, सीधे कभी स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन मत लो, ये ऑप्शन से मैम देखो एक दो चीजें आप ओरल्स में बोल दो, ओके लेट्स लर्न नंबर नेम्स, मुझे पता है आपने पहले भी नंबर नेम्स करे हैं, एंड यू नो अच्छा व्हाट इज दिस ONE, ये किसका नंबर नेम था, ओके आई एम एबल टू सी सो मेनी स्टूडेंट्स, लेट्स अनम्यूट दिस, आई एम गोइंग टू अनम्यूट दिस, लेट मी आस्क ये किसका नंबर नेम है ONE, बच्चा बता देगा वन का, फिर आप पूछ लो किसी से थ्री का पूछ लो THR3, मुझे याद ही नहीं आ रहा मैं भूल गई हूँ ये किसका नंबर नेम है, वो थोड़ा उनको इंटरेस्ट आता है इन चीजों में, बच्चों को ना जितनी नौटंकियां करो उसमें ज्यादा मजा आता है, फिर वो बोलेंगे कि अच्छा ये तो थ्री का है, अच्छा ओके टिल 10 तो यू आर क्लियर, तो पहले एक काम करते हैं लेट्स रिवाइज इट टिल 10, हम एक बार फटाफट 10 तक रिवाइज करेंगे, एवरीवन विल स्पीक विद मी, आई नो मैंने आपको म्यूट पे डाला है पर मैं आपको देख रही हूँ और आपके लिप्स मूव करने चाहिए और दूसरे रूम में मम्मी को भी सुनाई देना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, इस टाइप की बातें बोलोगे ना देखना वो खुशी खुशी चिल्लाएंगे, फिर आप पूरा 10 तक एक बार दो बार उसको रिवाइज करा लो, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आ रहा है बेटा बच्चों, लेट्स फोकस ऑन स्पेलिंग नंबर नेम ऑफ 11, तो वी विल डू इट इन अ वे ऑफ सॉन्ग, हम जब भी कोई चीज को राइम्स के थ्रू लर्न करते हैं तो वो जल्दी याद हो जाती है, चलो तो उसको थोड़ा सा रिदम के फॉर्म में बोल लो और उसके साथ साथ बच्चों को थोड़ा सा हिल लो, वो देखना वो आराम से मस्त तरह से लर्न करेंगे मैम, और एक दिन में ELEVEN अगर करा रहे हो तो एटलीस्ट 4 या 4 से 5 ले लो, उससे ज्यादा पूरा 11 से लेके 20 तक अगर नया इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो एक साथ मत कराओ, अगर नया इंट्रोड्यूस करा रहे हो मतलब लिख के दे दो कोई डाउट नहीं है, पर उनसे ये बोलो आज हम केवल ये 5 ही लर्न करेंगे, बिकॉज आप बहुत छोटे हो अभी, हम एक साथ सारा लर्न नहीं कर पाते हैं, बट क्या हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, उनसे पीछे पूछ भी लो, देखो बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड दे रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे ने तो 5 अच्छे से कर लिए तो, एंड आई नो आप एक साथ लर्न नहीं कर सकते तो चलो एक काम करते हैं 11 से 20 तक हम एक साथ आज कर लेते हैं, फिर इसको मैं 2 days और कराऊंगी, बट ये 2 days में आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि 3-3 या 4-4 आपको रोज लर्न करने होंगे, ऐसे टाइप का बोलो मैम, देखना वो फैन हो जाते हैं, इतनी आधी बातें इन्हीं टाइप की बातें सुन के बच्चे फैन हो जाते हैं, वो 110% इंटरेस्ट लेके आएंगे क्लास में, उनको थोड़ा सा ये बोलना फिर ELEVEN ELEVEN, नाउ सिंग विद मी एवरीवन ELEVEN, इस टाइप का 2-3 बार, नाउ आई एम नॉट एबल टू सी, आपके लिप्स मूव नहीं कर रहे हैं, बोलो उनको लगना चाहिए कि मैम हमें भी देख रही है, और फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर दो, देखना वो सब के सब कर लेंगे,
बस मैम देखो लाइव क्लासेस में ये दिक्कत है कि आपके एक हाथ में मोबाइल है और कुछ नहीं, पढ़ाओ वैसे ही जैसे पढ़ा सकते हो और देख लो और वीडियो देख लो, 10 वीडियो देख लो, बट सीरियस स्क्रीन शेयर करके अगर स्टार्ट कर दोगे ना तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी. और इट इज इट गोज फॉर ऑल, जैसे आप लोग वो कराते हो थ्री लेटर वर्ड्स, तो हमने परसों क्या पढ़ा था, थोड़ा सा एक बार पूरा टाइम दोगे रिवाइज करने का तो आपका टाइम भी निकल जाएगा. क्विकली रिवाइज कर लो 5 मिनट्स के लिए या 3 मिनट्स के लिए. नाउ सी आई हैव सम न्यू पिक्चर्स फॉर यू, हु वांट्स टू सी? ओह आई डोंट वांट टू शो यू नाउ. Do you want to see? If you want to see, please show me your thumbs. Now they'll show your thumbs. Okay, ये तो बहुत सारे बच्चों को देखने का मन है, तो now let me show you. तो उनको लगेगा वो खुद की तरफ से इंटरेस्ट ले रहे हैं, वरना हमें क्या लगता है ना कि हमने स्क्रीन दिखाई, हम ही दिखा रहे हैं. अब बच्चा बैठ रहा है, अब बच्चा जब बोलता है ना थम्स अप करके, तो उसको ये लगता है भाई जो मैं कह रहा हूँ मैम मेरी वही कर रही है, तो वो थोड़ा उनको थोड़ा ये लगता है. तो एक बार देख लीजिएगा मैम आप दोनों, प्लीज वीडियो जरूर देखना. और अभी भी बोल रही हूँ मैं सुनीता मैम, आकांक्षा मैम, आई एम ऑलवेज देयर. कोई भी कहीं पे भी अगर आप लोग स्ट्रक हो तो आप पूछ लो, आपस में एक दूसरे हैं आप पूछ लो. और अगर बाई चांस आपको लग रहा है इनमें से कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो कराने चाहिए कौन से नहीं कराने चाहिए, ऐसे आकांक्षा मैम को कभी भी कंफ्यूजन होता है वो मैसेज कर देती है, पूछ लेती है. तो सेम मैं आपके लिए भी कह रही हूँ मैम, कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज आप पूछ लो, आप उनसे पूछ लो, आप मुझसे पूछ लो, गीतांजलि है उससे, आप जिसके साथ एक्स वाई जेड कम्फर्टेबल फील कर रहे हो आप पूछ लो, बट पूछो. और खाली पूछ के नहीं होगा मैम, आपने को मैंने बता भी दिया, मैंने आपको बता दिया 10 लेटर्स बता दिए मैंने आपको, सॉरी 10 वर्ड्स बता दिए कि मैम एक काम करो ना आप ये पढ़ाने चाह रहे हो, आप एक काम करो मैप करा लो, टैप करा लो, ये करा लो, ये करा लो, ये करा लो. पर अब वो कैसे कराना है देखने के लिए ना कहीं मैम थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो दिस इज वेरी इम्पॉसिबल कि अगर हम इस टाइप का वीडियो वो कर रहे हैं. मान लो बाई चांस कोई नया टॉपिक है, आपको किसी भी कंफ्यूजन है दोनों को, हमने ये वीडियो कॉल करी, हमने उसे क्लियर कर लिया, हो गया खत्म. पर वैसे प्रैक्टिकली देखिए मैं आपको फोन पे बता दूंगी वो पॉसिबल है, बट एग्जैक्टली कौन से आप मेथडोलॉजीज यूज कर रहे हो उसमें थोड़ा डिफरेंट डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप नेट सर्च करना. और मैम पहला वीडियो कभी देख के खत्म मत करना, 2-4 और देखना तभी कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है. क्योंकि मैम सच्ची बताऊं ना, देखो साफ है कोई किसी ने बहुत होते हैं लोग जो इन्वेंट करते हैं, बट 80% चीज ना कंटेंट जहां से अवेलेबल होता है ना हम उसको उठाते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं, अपने आप कुछ चीजें बना लेते हैं, फिर क्या होता है ना फिर हमें देख के भी बनाने का मन करता है. पहले मैं सारी स्टोरीज पढ़ती थी, आकांक्षा को पता होगा पहले मैं सारी स्टोरीज पढ़ती थी, बाद में वो स्टोरीज बनाने लग गई. क्यों बनाने लग गई? क्योंकि दूसरों को देख के इतनी स्टोरीज सुन सुन के और पढ़ पढ़ के आदत पड़ गई ना कि फिर वो इजिली बन जाती है, फिर बनने में टाइम नहीं लगता है, फिर आप भी बना लोगे और बना लो कि मुझे इतना विश्वास है दोनों पे. बस थोड़ा सा ये है ना कि मैम एक्सप्लोर जब तक नहीं करोगे तब तक की दिक्कत है, जिस दिन एक्सप्लोर करने लगोगे ना उस दिन आपको 1000 चीजें मिल जाएंगी. तो एक बार प्लीज प्लीज फिर से कह रही हूँ प्लीज चेक कर लेना, पूछ लेना कोई भी दिक्कत हो. और मैंने बहुत सारा टाइम खा लिया आपका, शायद आपका खाना बनाने का भी टाइम था. मेरे घर भी खाना लगने लगी गया है, हम तो उठ के खाने वालों में से हैं अभी लग रहा है. तो आप बना लो मैम, देख लेना. पर प्लीज अभी अटेंडेंस के लिए वर्कशीट करनी है मुझे. हाँ वो मुझे भी, हमें भी करनी है, सबको करनी है, मैम को भी शायद अपलोड करनी होगी, आप लोग को पिक्चर भी अपलोड. अभी मुझे सब कुछ करना है. हाँ करना है मुझे अटेंडेंस करनी है, खाना बनाना है, खाना खाना है, फिर कल क्या कराना है वो देखना है. हाँ वो यही हो रहा है मैम, सबका वही हाल है. कह तो रही हूँ मैं सबका वही हाल है. अपना काम मैम अपना काम बता दो रही मैं आपको, अपना काम अपनी क्लास का काम मैं बाद में करती हूँ, दूसरों का काम खत्म होके अभी मुझे मुकेश सर से ही बात करनी है, अगला नंबर उन्हीं का है, उन्हीं को कॉल करनी है, सर ने उनसे बात करने को कहा है कुछ कंफ्यूजन्स में. तो वो बहुत सारी कह तो रही है, वो आधा टाइम तो हमारा इसी में निकल जा रहा है दूसरों से बात करके फोन में करने में. तो बट स्टिल देख लीजिए, आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी कि मैम को पिच इन करना पड़े, इसलिए मैंने मैम से कहा था कि आप मत आओ हम आपस में देख लेंगे. बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है वी आर देयर, आप दोनों की तरफ से, दोनों के लिए वी आर ओपन. और मुझे पता है कुछ बहुत अच्छा आने वाला है आप लोग से. सुनीता मैम नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट कि आप पूरी पूरी क्लासेस, आप 2 सब्जेक्ट की क्लासेस तो पूरी आप लो विदाउट हेल्प, ठीक है? वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाता है. बाकी मैम तो है ही, मैंने मैम को बोला भी था कांचा मैम को कि वहीं रहना, बाई चांस कुछ दिक्कत लगती है तो तुरंत पिच इन कर लेना, ताकि वो ऑकवर्ड वे में भी ना लगे और थोड़ा वो वैसे भी लगे, अच्छा भी लगे.
ठीक है, चलो बाय। ओके सोनम मैम, बाय 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 बाय।